दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शहर में देहात के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप शहर में देहात की डेली वीडियोस देखते हैं तो फिर आपको यकीनन सब कुछ मालूम होगा। दोस्तों शहर में देहात के जू में काल एक सांप घुस गया था जिसके बारे में इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। दोस्तों कल तुराब सप्तेन ने पूरा दिन उस सांप को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो सांप नहीं मिला और इसी बात को लेकर शहर में देहात के कुछ व्यूअर्स इनका मजाक भी उड़ा रहे थे। शहर में देहात के व्यूअर्स का कहना था कि सांप भी एक एनिमल होता है, उसको भी अपने जू में रख लो। और इनका कहना था कि आप वैसे ही एक ड्रामा कर रहे हो और ये वो व्यूअर थे जो शायद शहर में देहात से हेट करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि तुराब और सप्तेन इस सांप को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि ये सांप किसी भी एनिमल पर अटैक कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा शहर में देहात के पास बहुत एक्सपेंसिव एनिमल्स हैं जिनकी प्राइस लाखों में है। इसी वजह से तुराब और सप्तेन बहुत टेंशन में है। और जैसे की आपने शहर में देहात की आज की वीडियो देखी है तो आपने ये भी देखा होगा कि शहर में देहात के जू में एक मुर्गी अचानक से एक्सपायर हो गई है और इस मुर्गी के एक्सपायर होने की वजह भी शायद वो सांप हो सकता है। आज मुर्गी एक्सपायर हुई है तो कल को कुछ भी हो सकता है। और इसी बात को लेकर शहर में देहात के व्यूअर्स ने तुराब और सप्तेन को सीसीटीवी कैमरा सजेस्ट किए हैं ताकि मालूम पड़ सके कि सांप किधर है। और वैसे अभी तक ये सांप नहीं मिल सका, इसका मतलब है कि शहर में देहात का जू अभी खतरे में है। और क्या होगा इस सांप का इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर देना।